योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व बरेली लोकसभा से सांसद संतोष गंगवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली में 4.5 सालों में वही विकास की गंगा। बरेली और पुलों और सड़कों का 30 से अधिक पुल और सैकड़ों सड़कें बनकर हुई तैयार। बरेली में हवाई अड्डा, 300 बेड का हॉस्पिटल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, साइबर थाना, सेंट्रल जेल पर बने रहे बस स्टैंड समेत हुई करोड़ों के विकास कार्य। सरकार की उपलब्धियों के कार्यक्रम से भी नदारद रहे गेंट विधायक राजेश अग्रवाल, आंवला विधायक धर्मपाल सिंह, बहेड़ी विधायक छत्रपाल सिंह। सरकार से बड़े हुए ये तीनों विधायक। कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने विद्यालयों को, आंगनवाड़ी केंद्रों को, पंचायत भवनों को सब कुछ बेहतर करने का, एक ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर वातावरण देने का प्रयास किया है। इसके तहत जो थर्ड पार्टी सर्वे हुआ है उसमें 454 स्कूल्स हमारे थे वो 5-स्टार कैटेगरी के हैं और 733 स्कूल जो हमारे हैं 4-स्टार कैटेगरी के और लगभग 1100 स्कूल हमारे 3-स्टार कैटेगरी के हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 3-4 महीनों में हम लोग लगभग 1500 स्कूल 5-स्टार कैटेगरी के करेंगे और शिक्षण की गुणवत्ता पे, अब कोरोना के बाद स्कूल खुल गए हैं तो उसको हम लोग बेहतर करेंगे। बरेली में हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने प्रोजेक्ट्स हमारे जो लंबित रहते थे उसके लिए ज़मीन के प्रोजेक्ट्स थे सब हम लोगों ने ज़मीन को चिन्हित किया है और मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं ब्रिजेस के उसको हम लोगों ने पूरा किया है और अब 1-2 ब्रिजेस के ही प्रोजेक्ट्स बाकी हैं और जितने भी मंडल स्तरीय लैब्स बनने थे उसको हम लोगों ने ज़मीन उपलब्ध कराया है और कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जहाँ माननीय सांसद जी ने भी कहा कि हम लोगों ने बरेली को उड़ान से जोड़ा है और इसके तहत मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली से उड़ान से जुड़ गया है और ये यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो क्लासेस हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो नौकरी पेशा लोग हैं और आमजन हैं उनके लिए भी सस्ती सुलभ यातायात मिली है, हवाई यातायात, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बरेली की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है।